जबलपुर में ऋण वसूली प्राधिकरण के आदेश पर बैंक रिकवरी अधिकारी और पुलिस ने 60 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में फरार इंदौर के व्यवसायी सुशील पाटनी को इंदौर से गिरफ्तार किया है। सुशील पाटनी और उसके दो भाइयों ने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से वर्ष 2000 में पाटनी इंजीनियर्स नाम की कंपनी के लिए 6 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन लोन की किश्त न जमा किए जाने पर वर्ष 2003 में ऋण विकास प्राधिकरण में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। वर्ष 2003 से वर्तमान तक आरोपियों के द्वारा लोन की किश्तें जमा नहीं की गई, जिसके चलते 6 करोड़ रुपए के लोन के ब्याज की राशि बढ़कर 60 लाख रुपए पहुंच चुकी है। आरोपियों के द्वारा राशि जमा नहीं किए जाने से ऋण वसूली प्राधिकरण ने आरोपियों का गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद इंदौर में आरोपियों के ठिकानों पर रिकवरी अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर दबिश दी थी, जहां से सुशील पाटनी को गिरफ्तार कर जबलपुर लाया गया है। जबलपुर से EMS TV के लिए कमलेश पटेल की रिपोर्ट।